सो फाइनली कल हमको डीसी की नई मूवी ब्लू बीटल का ट्रेलर देखने को मिला, जो कि पहले तो लीक हो गया था लेकिन उसके बाद में उन्होंने ऑफिशियली उसको अपलोड कर दिया। अगर बात करूं मैं इसकी स्टोरी के बारे में तो ट्रेलर के हिसाब से हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट जेमी रेज अपने भविष्य के लिए आकांक्षाओं से भरा घर लौटता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि घर वैसा नहीं है जैसा उसने छोड़ा था। उसके बाद जब जेमी काम की खोज के लिए बाहरी दुनिया में निकलता है, लेकिन उसकी किस्मत उसके एल लगा देती है जब जेमी खुद को एक एलियन टेक्नोलॉजी के एंशिएंट रेलिक के कैद में पाता है जो कि स्कैरब होता है। जब स्कैरब अचानक ही जेमी को अपने सिम्बायोटिक होस्ट के रूप में चुनता है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनप्रिडिक्टेबल पावर्स में सक्षम एक इनक्रेडिबल सूट मिलता है, जिससे हमारा जेमी रेज हमेशा के लिए अपनी किस्मत को बदलते हुए सुपर हीरो ब्लू बीटल बन जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज की जो स्कैरब है वो क्या चीज है, ब्लू बीटल का स्कैरब जीत द्वारा बनाई गई एक एलियन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि जेमी रेज के शरीर से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे कि रीच कौन है और उन्होंने मतलब ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाई, तो रीच एक एलियन कॉन्करर्स और उनके एम्पायर के कीटनाशक प्रजाति का नाम है जो कि कभी अर्थ पर आया होंगे और जो ये स्कैरब है ये उनका ही होगा, लेकिन वो मतलब काम करना बंद कर दिया होगा तो उसे यहाँ पर छोड़कर वापस चले हो गए होंगे और अब जो ये हमारे जेमी रेज को मतलब इसे कॉन्टेक्ट मारने से एक्टिव हो गया वापस। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जेमी रेज है उससे पहले भी दो ब्लू बीटल रह चुके हैं जो कि है डैन गैरेट एंड टेड कॉर्ड, इनके बारे में आगे बात करूंगा। इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हम एक शिप देख रहे हैं जो कि मतलब देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, इसका नाम है दी बग। दी बग है वो रिसर्च साइंटिस्ट टेड कॉर्ड के द्वारा बनाया गया है जो कि मतलब सेकंड ब्लू बीटल बने थे। ये एक वीडियो ऑयल क्राफ्ट है जो कि मतलब बग के शेप का है। इसके अंदर लेजर बीम्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्लास्ट, सोलर ब्लास्ट जैसी पावर्स भी है। देन आगे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बोलती है कि दिस स्कैरब चूज यू बट इट बिलोंग्स टू मी। ये लेडी विक्टोरिया कॉर्ड है जो कि टेड कॉर्ड मतलब जो सेकंड ब्लू बीटल बने थे उनकी सिस्टर है, जो कि इस मूवी की मेन विलन भी होने वाली है। और इस कैरेक्टर को प्ले किया है सुजैन सरेंडन ने, जो कि मतलब इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन इतना पता है कि भाई ये मेन विलन होगी और जो टेड कॉर्ड बने थे सेकंड ब्लू बीटल उनकी मतलब बहन होने वाली है। उसके अलावा ट्रेलर के लास्ट के अंदर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमको दो सूट दिख रहे हैं जो कि डैन गैरेट जो कि फर्स्ट ब्लू बीटल बने थे उनका सूट है एक तो, एंड सेकंड सूट है वो टेड कॉर्ड का सूट है जो कि मतलब एक रेफरेंस है दोनों के बारे में। बाकी यार मेरे को कोई ट्रेलर के अंदर इतना ज्यादा कुछ डिटेल मिली नहीं कि भाई मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी डिटेल मेरे से मिस हो गई तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड उन सब के अलावा भाई ट्रेलर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसके अंदर जो कलरफुल वाइब उन्होंने दिखाई है एकदम मतलब PG-13 मूवी जैसे भी होने वाली है, एंड एक सुपर हीरो जो बनाया उसके साथ में उसका जो एक कॉमेडी फन एलिमेंट ऐड किया वो भी मैं लोगों को काफी पसंद आएगा। साथ साथ इसके अंदर एक फैमिली एंगल भी डाला गया जो कि लोगों को पसंद आता है, फैमिली ड्रामा होगी, ये फैमिली एंटरटेनर मूवी होने वाली है। और इसका जो लास्ट वाला स्वॉर्ड सीन था भाई मजा आ गया देखकर, मेरे को सबसे बेस्ट सीन लगा वो ट्रेलर का, जब वैसे स्वॉर्ड वैसे घुमाता है भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड जोलो मेरिडोना का भाई हम बहुत पहले से पसंद करते हैं, कोबरा काई नेवर डाइज, तो आप सोच सकते हो कि भाई मेरी एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर कितनी है, मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने भी ट्रेलर देख लिया, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।